कौन है सैम पित्रोदा जो इन दिनों इंडियन पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं, आइए जानते हैं। सैम पित्रोदा का पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ओडिशा के टिटलागढ़ में एक गुजराती परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने सन 1964 में अमेरिका से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किया है। भारत में सूचना क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को ही माना जाता है। वो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजीव गांधी के दौर में पहली बार कंप्यूटर भारत की जनता को नसीब हुई थी, इसमें सैम पित्रोदा का बड़ा हाथ था। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। 82 साल के हो चुके सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा भारतीय राजनीति के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चेहरों में से एक रहे हैं। उनका नाम हमेशा विवादों में रहा है। अभी हाल ही में अपने विवादित बयान के बाद उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले कुछ समय से वो लगातार ऐसी बयानबाजी करते आ रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की जमकर फजीहत होती आ रही है। एक बार फिर से सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान पित्रोदा ने भारत की डाइवर्सिटी पर बात करते हुए कहा कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे लगते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग तो अरब जैसे लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, शायद वो गोरे जैसे दिखते हैं। चुनावी मौसम में दिया गया पित्रोदा का ये बयान अब कांग्रेस के लिए ही गले की फांस बन गया है। पित्रोदा एक सफल बिजनेसमैन और इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के वल्लभ विद्यानगर से पूरी की। इसके साथ ही वडोदरा के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर किया। इसके बाद वो 1964 में अमेरिका चले गए और वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किया। फिर उन्होंने 1965 से टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। वहीं साल 1981 में पित्रोदा भारत वापस लौट आए। भारत आकर पित्रोदा ने देश की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के बारे में सोचा और इसकी शुरुआत की। उन्हें भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि सैम पित्रोदा ही वो शख्स हैं जिनके कारण भारत में मोबाइल आ पाई। साल 2005 से 2009 तक सैम पित्रोदा भारतीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहे। वो भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे। माना जाता है कि राहुल गांधी को पित्रोदा ने ही राजनीति के गुर सिखाए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट जरूर करें।